हाय गाइज, आई एम प्रथम शौकीन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। भाई मैं भी बढ़िया। आज ड्रैग रेस करेंगे स्कोडा कुशाक वर्सेस फॉक्स वैगन वर्टस जीटी के साथ। ये भाई अपनी है 1 लीटर 3 सिलेंडर इंजन, ये है अपनी 1.5 लीटर 4 सिलेंडर इंजन। सबको रिजल्ट्स पता ही है पहले ही रेस शुरू होने से पहले कि भाई वर्टस जीटी जीतेगी। तो फ़र्क ये देखना है कि कितने गैप से जीतेगी। और जो कुशाक है भाई वो अपने पास मैनुअल है और अपने पास है भाई ऑटोमेटिक वर्टस। तो इसमें भाई DSG आता है, DQ200 जो ड्राई क्लच रहता है। तो इनिशियल में काफ़ी लैग मारता है भाई वो, तो इसको बेनिफिट रहने वाला है मैनुअल का। तो वहीं वो चेक करना है मैं कि क्या क्या रहने वाला है, क्या रिजल्ट रहेगा इनिशियल में, कुशाक आगे रह पाएगी या नहीं रह पाएगी। वैसे अगर मैं इसको लॉन्च कर दूंगा तो भाई ये स्टार्टिंग से ही आगे रहेगी, पर वो करना नहीं चाहिए। ना मैं किसी को रिकमेंड करता कि भाई आप इसको लॉन्च करो, DQ200 है, मेगाट्रॉनिक उड़ जाएगा। तो पावर स्पेक्स की बात कर ले तो भाई इसमें बता दिया मैंने, 1 लीटर 3 सिलेंडर इंजन है, पेट्रोल टर्बो चार्ज्ड है और इसमें आती है 114 BHP, 178 Nm टॉर्क। वहीं बात कर ली जाए फॉक्स वैगन वर्टस जीटी की, तो भाई 1.5 लीटर पेट्रोल टर्बो चार्ज इंजन आता है, ये प्रोड्यूस करता है 150 BHP, 250 Nm टॉर्क। तो भाई बहुत ज़्यादा फ़र्क है पावर फिगर्स में। तो आरो भाई की कुशाक है, इसकी बहुत सारी ड्रैग रेसेस कर चुके हैं। तो भाई क्या लग रहा आज? तो भाई आरो भाई ने चला के देख लिया और फिर कह रहे कि भाई क्यों करनी है। चलो कोई नहीं, वो तो पता ही है रिजल्ट तो, लेकिन हम देखना चाहते हैं कि भाई कितने गैप से अपनी वर्टस जीटी जीतेगी। और सही है वाला, ये वाला जो ट्रैक है बहुत सही है, इसमें आराम से गाड़ी चढ़ जाती है 140-150। तो चलो स्टार्ट करते हैं ड्रैग रेस। एसी ऑफ कर रहे हो? मेरा ऑन है। फर्स्ट राउंड ऐसे ही करते हैं, थोड़ी सी एडवांटेज दे देता हूँ। एसी ऑफ रखो, तुम ट्रैक्शन ऑफ रखो। मेरा ट्रैक्शन ऑफ कर लेता हूँ, एसी ऑन रखता हूँ मैं, और ड्राइव मोड रख रहा हूँ, कोई स्पोर्ट्स मैनुअल नहीं रख रहा, ड्राइव मोड है। तो भाई तीनों मतलब दोनों गाड़ियों में तीन तीन लोग बैठे हैं भाई, आज शूट करने वाले बंदे हमारे साथ थोड़े ज़्यादा हैं, तो तीन उसमें हैं, तीन इसमें हैं। एक दिक्कत है भाई, नेक्स्ट राउंड में वो देख लेंगे हम। उसमें 1 लीटर इंजन है, 3 सिलेंडर इंजन है ना, तो भाई वो दब जाएगी, तीन बैठ गए ना। तो नेक्स्ट राउंड में क्या करेंगे, अपनी में ज़्यादा भर लेंगे, उसको हल्का कर देंगे, फिर देखेंगे क्या रहेगा। अभी पहला राउंड है तो इसलिए ऐसे ही कर रहे हैं। सो गाइस राउंड वन करने जा रहे हैं, 1 2 3। ये भाई अपनी जीटी उठी और आगे थी कुशाक 50 तक, और लो भाई कितने में होगी, 110। बहुत गैप भाई, बहुत गैप। ब्रेक मार लेते हैं, 130 तक गाड़ी गई थी भाई। अब एडवांटेज देना शुरू करते हैं, एक ऐसे ही दिखाना था कि भाई देखो कितने गैप से 1 लीटर जो है हार जाता है 1.5 से। अब इसमें एक काम करते हैं, एक आदमी और बिठा लेते हैं। दो बिठाएंगे सीधे, अब तो सीधे दो। भर दो भाई मेरे बंदे, भर दो मेरी गाड़ी में और अपने में है ना, कम कर ले क्योंकि तेरा है ना भाई 1 लीटर 3 सिलेंडर इंजन है तो दब जाता है तीन बंदे बैठने के बाद। हाँ आ जाओ आप मेरी गाड़ी में आ जाओ। सो गाइस कुशाक में एसी ऑफ है, ट्रैक्शन भी ऑफ है, और अपनी का भाई एसी ऑन है और ट्रैक्शन ऑफ है, और भाई चार लोग बैठे हम, चार बंदे और उसमें दो लोग हो गए हैं। इतनी एडवांटेज दे दिया, अगर अभी अपनी वर्टस जीत जाती है तो एक राउंड और करेंगे, पांच आदमी बिठा देंगे। हाँ और ट्रैक्शन ऑन कर लूंगा मैं। सो भाई सेकंड राउंड करने जा रहे हैं, भाई फुल एडवांटेज दे रखी है। चलो भाई करो स्टार्ट। तो भाई सेकंड राउंड स्टार्ट कर रहे हैं। वो पहले भी उठा ली कुशाक, और क्या व्हील स्पिन मारा है, भी चली जाएगी भाई। पहले 50 पे क्रॉस करा था, अब देखते हैं कितने पे करेगी। 100 पे कर जाएगी, 105, 106, 110 मान सकते हो। अब देखते हैं कितनी पीछे छोड़ दिया, अब नहीं आएगी हाथ, अब तो तरह गैप बनाते चली जाएगी। लो जी जीत गए हैं, अब एक और एडवांटेज देते हैं, पांच बंदे बैठा के बंदे जी को साथ बिठा के। ऐसे ड्रैग रेस ना हम पहले करते थे, एडवांटेज दे देंगे जो गाड़ी मतलब कमजोर होती थी ना उसको स्टार्टिंग से एडवांटेज दे देते थे। अब दोबारा स्टार्ट कर दिया ऐसे ही भाई, अराउंड 105-110 के बीच में क्रॉस कर दिया था, अब एक बंदा और बिठा दो भाई, और कोई दिक्कत नहीं है। कितनी लॉन्च पहले हो जाए। अच्छा मैं काम करूं, पांच लोग बिठा लेता हूं। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ कि पांच लोग बिठा के और एसी भी ऑफ करता हूँ, ट्रैक्शन भी ऑफ कर लेता हूँ, उसके बाद चार पे निकलूंगा मैं, तुम तीन पे निकलना ठीक है। तो बिठा दो एक जना और, बोल दो किसी को, ट्रैक्शन ऑफ ही है भाई, ऑन नहीं करा था मैंने। आ जाएगा, तो एसी ऑफ कर लेते हैं। आ जा या उनमें से एक बोल दो, अपने में दो रहने दो। नहीं नहीं आ जा तू, ये पंडित जी तू ही आ जा। लो भाई 100 kg मोर, आप भी
100 कहाँ है यो 120 प्लस है कोई पतला सा आदमी बिठा लो इसे आ जाएंगे आ जाएंगे अब कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा यार और अपना गाड़ी का वो भी ट्रैक्शन भी होना है अब मैनुअल में चलाएंगे लेकिन हम इसे M1 पे एसी ऑफ कर दिया ट्रैक्शन ऑफ कर दिया अब बैठ गया गाड़ी में कुछ नहीं तो 1000 किलो टोटल ठीक है भाई अब उसमें एक पतला आदमी बिठा दिया भाई पंडित जी निकाल के हमने और वेट डाल लिया इसका वजन 50-60 किलो लंबी चलने देना ऑफ है इसमें ऑफ रखेंगे इसमें ऑफ है भाई ठीक है लंबी चलने देना लेकिन 5 बंदे हैं इसमें पीछे कर लो थोड़ी तो चलो भाई लास्ट एंड फाइनल राउंड कर रहे हैं और इसमें देखते हैं क्या रहेगा 4 पे निकलूंगा भाई कुशाक को 3 पे निकाल देंगे चलो भाई कर दो 1 2 3 मैनुअल मोड में डाल लिया एसी कर देते हैं ऑफ ऑफ हो गया भाई चलो क्या रह गया क्या अरे ऐसे मत डरो यार आ रहे हो भाई चलो जी 1 2 4 क्या रो क्यों ली गेयर मिसमैच हो गया क्या अरे यार चलो कोई नहीं दोबारा करते हैं 1 2 3 4 चल भाई 20 तक रहती है स्लो मुश्किल ही लग रहा है यार अब तो स्लो नहीं करी चल तो पूरी तेज रही है वो भी भाई साहब आई लव यू वर्टस भाई साहब इतनी एडवांटेज एक और करे राउंड डिग्गी में डाल दो बंदा 150 पे निकलेगी फिर भाई यार पंडित जी तू वर्टस चला और मैं अकेला उसमें बैठूंगा कुशाक में मैं चलाऊंगा कुशाक एक लास्ट एंड फाइनल राउंड और करते हैं इस पे तो 135 पे क्रॉस कर गई अटक गया था मैं चलाऊंगा कुशाक को अकेला रहूंगा कुशाक में बिल्कुल आप जाओ वर्टस में 5 लोग ठीक है पंडित जी चला रहा है इसको बता दूं क्या करना है भाई मैनुअल मोड एसी ऑफ ट्रैक्शन ऑफ 5 लोग हो गए मैं अपना एसी ऑफ ट्रैक्शन ऑफ सब रखूंगा अकेला रहूंगा कुशाक में देखते हैं फिर कितने पे क्रॉस करती है सो गाइस मैं आ गया हूँ कुशाक में और कुशाक में कोई भी नहीं बेल्ट मैंने लगा लिया है भाई एसी मेरा ऑफ है ट्रैक्शन मेरा ऑफ है भाई ये देख सकते हो तो उसमें 5 लोग बिठा दिए वही सेम सेटिंग्स हैं बस अब फर्क ये है कि कुशाक में सिर्फ ड्राइवर है और तुम्हारा भाई थोड़ा लॉन्च वॉन्च सही कर देगा और देख लेगा गियर मिसमैच नहीं होने देगा एक बार एडजस्ट कर ले भाई स्टेयरिंग वेयरिंग सब कुछ इसका हाँ ठीक है चलो भाई करो डन चलो जी और अपनी कुशाक आगे भाई वर्टस पीछे भाई अराउंड आ गए हैं हम 120 वर्टस पीछे ही है 140 पे क्रॉस करा है भाई वर्टस ने ये फर्क आया भाई सिंगल ड्राइवर होते ही और उसकी स्पीड होगी 160 का आसपास बाकी उनसे पूछते हैं कि उन्होंने कितने पे क्रॉस किया है ये बता कि कितनी स्पीड पे क्रॉस किया 145 150 में मतलब गाड़ी क्रॉस कर गई 145 में पास पे आ गई थी मेरे में 140 दिखा रही थी उस टाइम स्पीड पूरे मतलब बराबर थी 150 मतलब फर्क आया एक बंदा बैठाने से चलो लगा बराबर कर इसको सो गाइस देखा आपने कितनी पावरफुल है अपनी वर्टस जीटी इतनी एडवांटेज देने के बाद भी भाई बताना कैसे भाई पांच आदमी अगर मैं कैलकुलेट करूं तो कम से कम 650 किलो 600 किलो आप में भी 105 आज पंडित जी की खिंचाई हो रही है भाई तो भाई यही है अगर आप 1 लीटर के साथ करते हो तो कितनी भी एडवांटेज दे लो भाई निकल ही जाती है वर्टस मेरे को लग रहा था कि अब मुश्किल ही निकलेगी और निकलेगी तो भाई 150-160 पे निकलेगी कुशाक की स्पीड से अगर देखूँ तो लेकिन भाई वो निकल गई थी कुशाक की स्पीड उस टाइम थी 140 तो भाई नहीं जाने देती बहुत ज़्यादा पावर है 1.5 के साथ भी किसी दिन करके देखेंगे जैसे ही अवेलेबल हो जाएगी वैसे ही लगा देंगे भाई ट्रैक पे वर्टस के साथ तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना अपनी वर्टस जीटी के लिए और कुशाक के लिए भी भाई क्योंकि 1 लीटर में बहुत अच्छा परफॉर्म करती है भाई और भाई आरव भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बॉक्सर भाई को कर लेना भाई आपके चैनल का नाम एक्सप्लोरिंग व्हील्स अरे नर्वस मत हो भाई कोई दिक्कत नहीं है यश मेलावत क्या लैंड ऑफ व्हील्स एक्सप्लोरिंग व्हील्स लैंड ऑफ व्हील्स अभिषेक गोड
ठीक है भाई, सबको सब्सक्राइब कर लेना। मैं बता देता हूँ क्या वर्टेस जीटी, हाँ, और कुछ है, हाँ, उसको माफिया जीटी बोलो ना। हाँ माफिया जीटी भाई, लो भाई, अरे सपोर्ट ही कर रखी ना कबूतरों ने, अभी माफिया अपन खत्म हो गया। वो भाई वही माफिया कहलाती, साफ सुथरी माफिया नहीं कहलाती, पेंटिंग माफिया नहीं कहलाती। तो भाई चलो वीडियो एंड करते हैं, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लव यू गाइस।